प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से बचने के लिए एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री भूमिगत हो गए हैं। उन्होंने अपने फोन बंद कर लिए हैं और अपनी पत्नी के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर जा छुपे हैं। एक तरह से अनिल देशमुख ईडी के साथ छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हैं और ईडी की टीम लगातार उनका पीछा कर रही है। इसी क्रम में गुप्त जानकारियों के आधार पर ईडी की टीम नागपुर पहुंची और वहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की खोज में उनके पैतृक आवास तक पहुंची। ईडी की टीम ने देशमुख का काम देखने वाले दीवान पवन देशमुख को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अनिल देशमुख के कुछ पैतृक संपत्तियां नागपुर के पास काटोल और वडविहिरा गांव में हैं। ईडी की 3 से 4 लोगों की टीम ने इन दोनों जगहों पर छापेमारी की, लेकिन इन जगहों पर न अनिल देशमुख मिले और न ही उनकी पत्नी आरती देशमुख। ईडी की छापेमारी के दौरान उनके काटोल और वडविहिरा के आवास के बाहर उनके समर्थक इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। फिलहाल अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के केस में ईडी के रडार पर हैं। अब तक ईडी अनिल देशमुख को 3 बार समन भेज चुकी है। इसके अलावा उनके बेटे ऋषिकेश को भी समन भेजा जा चुका है। इन्हें ईडी के दक्षिण मुंबई स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया, लेकिन पिता और पुत्र ने अलग अलग कारणों से पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस आने में अपनी असमर्थता जता दी। पिछले हफ्ते अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को भी समन भेजा गया। उन्होंने भी अधिक उम्र और तबीयत का बहाना देकर आने से मना कर दिया। ऐसे में ईडी ने रविवार को अनिल देशमुख की तलाश में उनके 2 ठिकानों पर स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की। वहां भी अनिल देशमुख का परिवार नहीं मिला। अनिल देशमुख का फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। पिछले हफ्ते ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल देशमुख की 4,20,00,000 की संपत्तियां जब्त की थी। इनमें एक मुंबई के वर्ली में स्थित फ्लैट, दूसरा नवी मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के उरण क्षेत्र में जमीन थी। वर्ली का फ्लैट अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख के नाम है। इसका मार्केट वैल्यू 1,54,00,000 रुपए है। उरण की जमीन को 2006 में 2,67,00,000 में खरीदा गया है। क्या ये जमीन प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर खरीदी गई है? इस कंपनी पर देशमुख के दोनों बेटों ऋषिकेश और सलिल देशमुख का नियंत्रण है। सूत्रों के मुताबिक इस जमीन की मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों के जब्त किए जाने के बाद से ही अनिल देशमुख अंडरग्राउंड हो गए हैं। साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने शिकायत की थी कि अनिल देशमुख सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सचिन बचे सहित मुंबई पुलिस के अधिकारियों का इस्तेमाल मुंबई के रेस्टोरेंट्स और बार से हफ्ता वसूली के लिए कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया हुआ है। परमवीर सिंह की शिकायत पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया और इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस बीच अनिल देशमुख ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने ईडी द्वारा सीज की गई संपत्तियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कुछ जगहों पर 2006 में उनके बेटे सलिल द्वारा खरीदी गई 2,67,00,000 रुपए की जमीन को 300 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि गलत है। साथ ही ईडी के सामने खुद पेश होने को लेकर अनिल देशमुख ने कहा कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही वो ईडी के सामने पेश होकर अपना जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।